इस्लामिया इख्तियारी एडी के बीए का 100 नंबर का पेपर किस तरह करना है। आपने तारीख के हदीस का जो मजदूर है कोशिश करनी इसको 10 से 12 मिनट में। आपका दूसरा क्वेश्चन हाफिज़े शरीयत 10 नंबर का है, इसको भी कायम ले 10 से 12 मिनट में। तर हदीस का तर्जुमा तो थोड़ा सा मुश्किल है और तशरीह इसको सोच के करना है, इसको कम से कम 20 से 22 मिनट में। फिकी इबारत जो एक मुश्किल है इसको 25 से 27 मिनट तक करें ताकि इसमें जितना आप कर सकें। बाकी जो आपके पास टाइम बचे उसमें से 15 मिनट आप शॉर्ट क्वेश्चन के निकालें, बाकी जितना टाइम बचे उसको दो हिस्सों में डिवाइड करके सीरत और तारीख का क्वेश्चन। सीरत का क्वेश्चन कितनी ईजी है, सीरत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खास तौर पे ज्यादा टाइम आपको तारीख इस्लाम के लिए बचाना। तारीख इस्लाम का जो आपका पोर्शन है उसके अंदर जो मेन मेन चीजें आपने याद करें उसमें उलूम फुरूम है। मुसलमान ने कौन कौन से दीन के अंदर उलूम फुरूम में महारत हासिल की उसे बात करना। इसमें मेडिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, रियाजी, फिजिया ये मेन मजाम है। दीन में क्या खिदमत है, तबियात में, कीमिया में, रियाजी में, फिजिया इसको आपने देखना। जो इसके अंदर ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मुसलमानों के रिफाई का, कहां कहां मुसलमानों ने रिफाई का, खास तौर पे मुसलमानों के उर्दू जो सवाल, मुसलमान ने उर्दू कैसे हासिल किया, उसकी क्या वजह थी, मुसलमानों के सवाल के असबाब क्या है, क्यों सवाल पूछे हुए और आलम इस्लाम के मुस्तकबिल, इन तीनों पर तो ज्यादा फोकस करें। लेकिन इससे ज्यादा तौर पर उर्दू सवाल और रिफाई का नाम है, ये दो पोर्शन अगर आपके अच्छे तरह तो आप अच्छे अंदाज में ये वाला पोर्शन भी कर सकते हैं तारीख इस्लाम का। आपके जो आम आम क्वेश्चन है उसके अंदर आपने कोशिश करनी है हदीस वाले पोर्शन में सिलेक्टिव अहदीस का इंतखाब करें जो कि बार बार फलसफे में आए। फिकी इबादत में खास तौर पे नमाज के अहकाम, रोजे के अहकाम और इसी तरह जो जनाजे के अहकाम, जुमे के अहकाम, ये सारी चीजें अच्छी तरह याद रखें। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से रिलेवेंट वो बातें जो आपने मदीना शरीफ में रियासत की बुनियाद रखते हुए बनाई और बताई, इंप्लीमेंट की वो बातें और तारीख इस्लाम के खास तौर पर आपने मुसलमानों के जो अजीम रिफाई कारनामे हैं उस पर इंशाल्लाह तैयारी करनी है तो 100% मार्क्स आपके आएंगे। मेहनत करें, चीजें बहुत आसान है, सिर्फ अरेंज करें, हेडिंग को बार बार लिखें, कोई भी क्वेश्चन विदाउट हेडिंग ना हो, तर्जमा करें तो पूरा इंपॉर्टेंट काम आवे और उसके बाद तशरीह करें तो उसको हेडिंग बना के तो इंशाल्लाह बेहतरीन नंबर आएंगे।